हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू और गोभी की रसेदार सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हमने दो गोभी, दो आलू, टमाटर और प्याज को ले लिया है। अब हम फूल गोभी को छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। हमने गोभी को काट लिया है और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस में। अब हम इसमें तेल ले लिए हैं, रिफाइंड ऑयल। गोभी को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया है। तेल गरम होगा तब तक हम इसे धो के अच्छे से सुखा के रख लेंगे। ये सब्जी को आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें गोभी को एक एक करके, सारे गोभी को जितना एडजस्ट होगा उतना हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने गोभी को छोड़ दिया। अब हम इसको हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि ये जल ना जाए। और इसको चलाते रहना है। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्का सुनहरा कलर का ना हो जाए। ये देखिए हमने खड़ा मसाला ले लिया है, जीरा है, काली मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, 5-6 हरा मिर्च है। इसको हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर मशीन में भी पीस सकते हैं, बट सिलबट्टे का टेस्ट अलग रहता है। ये देखिए हमने मसाला को पीस रहे हैं। अब हम मसालों को अच्छे से निकाल लेंगे और एक कटोरी में रख देंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। जब तक हम मसाला पीस रहे थे तब तक यहाँ पे गोभी फ्राई हो गया है, क्योंकि हमने गैस को लो फ्लेम में करके रख दिया था। अब हम सारे गोभी को तल लेंगे। बचा हुआ गोभी को भी हम इसी तरह तल लेंगे। देखिए हमने बचा हुआ गोभी को भी डाल दिया है, उसको भी हमने तल लिया। अब हम इसमें जो आलू को रखा था काट के, उसे भी तल लेंगे। मीडियम आंच में ही इसको पकाना है। हाई फ्लेम में अगर इसको पकाइएगा तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चा रह जाएंगे। आलू को भी सुनहरा कलर होने तक पकाना है। इसको हम बिना नमक के फ्राई कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो नमक हल्दी देके भी फ्राई कर सकते हैं। और इसको बीच बीच में चलाते रहना है।
हमारा आलू पक चुका है, अब हम इसे भी तल लेंगे। ये देखिए आलू कितना अच्छा से पक गया है, बिल्कुल सुनहरा कलर का देख रहा है। अब हम कढ़ाई को फिर से चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें सरसों का तेल ले लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी सब्जी को बना सकते हैं, बट मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ। इसमें हम तेज पत्ता डाल देंगे, एक दो इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा साबुत जीरा डाल देंगे जब जीरा चटकने लगे तो। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को सुनहरा कलर होने तक भूनेंगे। प्याज जब तक सुनहरा कलर तक ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए प्याज हमारा सुनहरा कलर हो गया है। अब हम इसमें जो मसालों को पीस के तैयार किया था उसे डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर छोटा चम्मच में 1.5 चम्मच डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। इसमें हम नमक स्वाद अनुसार मिला देंगे। हमने आलू और गोभी को बिना नमक के फ्राई किया है, इसलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा नमक लेंगे ताकि अच्छा लगे टेस्ट। और अगर आप फ्राई करने के टाइम इसमें नमक मिक्स कर दे तो थोड़ा कम लीजिएगा। और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको भी मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। और इसको हल्के हाथों से चलाते रहना ताकि मसाला चिपके ना। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। और इसको 2 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। इसको इसी तरह करके चलाते रहना है। देखें हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो फ्राई करके आलू रखा था उसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे। दो मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो फ्राई करके गोभी को रखा था उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे।
देखिए हमने गोभी को भी इसमें मिक्स कर दिया है और अच्छे से चला देंगे ताकि मसाले अच्छे से ऐड हो जाएं। इसको इसी तरह लो फ्लेम में 2 से 4 मिनट तक पकाते रहेंगे ताकि यह मसाले अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि ये फ्राई किया हुआ है। 1 कटोरी पानी अब हम इसमें मिक्स करके इसको ढक के रेस्ट देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए और सब्जी भी पक जाए अच्छे से। इसको हम 5 मिनट तक रेस्ट देंगे लो फ्लेम में। 5 मिनट हमारा हो गया, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप इसका रस्सा भी पूरा अच्छी तरह से सूख जाए तब तक आप इसको इंतज़ार कर सकते हैं, बट मैं रस्सेदार सब्ज़ी बना रही हूँ इसमें हम थोड़ा थोड़ा रस्सा रहने देंगे। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा सब्ज़ी तैयार है खाने के लिए। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार है हमारा सब्ज़ी। थैंक यू। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया दे देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। हमने कर दिया गैस को, सब्जी हो गया है तैयार खाने के लिए। सब्जी अब हमारा तैयार हो गया, अब हम इसे धनिया पत्ता देकर गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारा सब्जी कितना अच्छा बन के तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।